on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back. Hello guys, welcome back to my YouTube video. और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. और अभी आफ्टरनून हो रहा है और आप देख रहे होंगे आज संडे है. आज मेरा ऑफ है कंपनी से, तो छत पे आई थी कुछ रिकॉर्डिंग करने, देखने की पतंग वतंग उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है. पर लेकिन आज कोई पतंग नहीं उड़ रही है. यहाँ बोरिंग डे हो रहा है आज, पर क्या करें. आज सोचा था पतंग वतंग उड़ाएंगे, पर लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए यहाँ पे देखिए पतंग भी ज़्यादा नहीं दिख रही है, एक दो ही है बस. तो दोस्तों यहाँ देखिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और यहाँ पे सब धूप का मज़ा ले रहे हैं. यहाँ पे कोई कैरम खेल रहा है, कोई बाहर बैठ के बातें कर रहा है. तो आज की बहुत अच्छी वीडियो जाने वाली है और वीडियो मेरी आज लंबी भी हो जाएगी, तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें. आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ले जाऊँगी कौड़िया पीर बाबा में, जो बहुत ही फेमस है. तो अब मैं आपसे थोड़ी बात करूँगी, फिर उसके बाद चलते हैं कौड़िया पीर बाबा. तब तक वीडियो में बने रहें. तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाह रही हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्दी, आप लोग के सपोर्ट और प्यार से. तो आप ऐसा ही सपोर्ट प्यार मुझे देते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियो की. और तब तक आप बस ऐसे ही ब्लॉग मेरे देखते रहिएगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मेरे मिलते रहेंगे आपको. दोस्तों आज मैं आपको ले जाऊंगी यहाँ के पीर बाबा मज़ार पे ले जाऊंगी, जो बहुत ही माना हुआ मज़ार है. और आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कि कैसे, मतलब वहाँ लोग, मतलब आज तो इतनी भीड़ होगी नहीं, पर फिर भी मैं आपको ले चलूँगी और दिखाती हूँ मैं आपको पीर बाबा. हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो मेरी बहन है, जो बड़ी दीदी है, तो इन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा है कि YouTube चैनल इसलिए बनाए हैं कि देखो ये जॉब भी करते हैं और इनकी शादी भी हो चुकी है, घर के काम काज भी होते, बहुत चीज़ें इंसान अपने आप को बिजी रखना. इनको इस टाइम में भी इनके मन में, मैंने ही बोला था इनको कि अपना एक चैनल बनाओ, कि क्या पता है. देखो शुरू में हर किसी को लगता है कि, फिर इन्होंने मुझे कहा कि यार नीरज चैनल बना के करना क्या है, व्यू नहीं आएंगे, ये नहीं है, लोग बोलेंगे. उन्होंने लोगों से क्या करना है, जितने भी आज हमारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे सौरभ जोशी हो गए हमने उत्तराखंड के, तो उन्होंने भी शुरू में यही, लोगों ने उनको यही बोला कि अब वीडियो कैसी नहीं है, ये लड़का वीडियो बना रहा है कि इसकी वीडियो में व्यू आएंगे नहीं आएंगे, ये पागल है. बहुत उन्होंने मजाक बनाया उसका, मगर उसने हार नहीं मानी. मैं कहा वीडियो बनाते गया और दो सालों में आज उनके 12.7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं. तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अपनी बहन को ये बोलना चाहूँगी, आप बस वीडियो बनाते रहिए, किसी की मत सुनिए, आप बस अपना वीडियो डालते रहिए. आज देखो सबसे बड़े आपके जो भी आपके फ्रेंड सर्किल, आप सबको बताओ और जो उनके दोस्तों, जितना वो आपको सपोर्ट करेंगे उतना बढ़िया, क्योंकि देखो बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा. और बिना जितने हमारे फ्रेंड लोग हैं, ये फेसबुक में हो गए, सोशल मीडिया, जितने भी आपके ग्रुप में जितने लोग हैं, सबको आप बताओ, धीरे धीरे करके ही सब चीज़ होती है. और मैं दोस्तों अब ये वीडियो को ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया कि मैंने बहुत काफ़ी बात कर ली है. तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो दीदी का ये यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब पूरा सपोर्ट करिए दीदी को, कि आगे जाके भी और आपको वीडियो, नई नई वीडियो बना के डालते रहो और आप देख सको. और आज जो हमारा यहाँ का जो पीर बाबा मज़ार है, बहुत माना हुआ मज़ार है. ये आर्मी कैंट, आर्मी का एरिया है, आप देख सकते हो दोस्तों. ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये रेलवे लाइन के ठीक अपोजिट पूरा, ये उसके ठीक उससे काफ़ी थोड़ा सा आगे वही मज़ार है. काफ़ी वहाँ जाते हैं, उनकी विश जरूर पूरी होती है. तो आज जो दीदी है, उन्होंने बहुत काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं मज़ार जाऊँ, मगर आज उन्होंने समय निकाला है, यहाँ शाम को अपने हस्बैंड के साथ मज़ार जाएंगे. तो दोस्तों बस जो मैंने आपको, दीदी को पूरा सपोर्ट दीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब. जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं सबको बोलिए कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें. बाय दोस्तों. तो गाइस देखिए हम यहाँ से पीर बाबा के लिए चले गए हैं, निकल रहे हैं. ये देखिए यहाँ पे नीरज भी है. हेलो दोस्तों. और भी है और हम यहाँ चल रहे हैं अभी. ये भी पता नहीं कहाँ कहाँ ले आते हैं, तेरे ने कहा कि आज वहाँ चलना, तो हमने चलो उनके साथ घूम लेते हैं. देखिए यहाँ पे ये हम शॉर्टकट जाएंगे, लॉन्ग से तो ज्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा. रेलवे लाइन भी देखो, ये रेलवे लाइन भी है, यहाँ पे ट्रेन आती है इधर. और
गाइस देखो ये मेरी फ्रेंड है चिंकू, वैसे इसका नाम रजनी है पर हम इसे चिंकू बोलते हैं। इधर देख, और ये देखो अभी हमें जाना है बहुत दूर। अब मैं आपको सीधा मिलूंगी पीर बाबा मजार के आगे। देखो ये है आर्मी ग्राउंड कोटद्वार का, और हम इधर से ही पीर बाबा जा रहे हैं, और इसे गब्बर सिंह कैंप भी कहा जाता है। ये देखिए अभी यहाँ से साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगी। ये पूरा आर्मी कैंप, आज सफाई चल रही, और यहाँ ये सफाई कर रहे हैं। और ये यहाँ पर गब्बर सिंह कैंप है आर्मी का, और पीर बाबा के हम बहुत ही नजदीक हैं। आप देख सकते हो आज हम दीदी के साथ ये पीर बाबा मजार है, हम वहाँ दर्शन करने आए हैं क्योंकि आज संडे था, तो फिर दीदी ने प्लान करा कि आज हम मजार जाएंगे, तो इसलिए आप देख सकते हो। ये दीदी की फ्रेंड और ये मेरी भांजी किरण है, बाकी आप देख सकते हो आगे मजार आ चुकी है, मजार आ चुकी है। बाकी आगे से लोग भी काफी लोग इस रोड चलते हुए रोड ये लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। वैसे बड़ी गाड़ी तो आती नहीं है, वो ये कि यहाँ बाइक वगैरह और बाकी लोगों के चलने के लिए रास्ता है। कच्चा रास्ता आप देख सकते हो, कच्चा रास्ता है, बाकी रेलवे लाइन भी पास ही है। हम बहुत पास आ चुके हैं मंदिर के, मजार के पास हम बिल्कुल दो कदम दूर हैं, और दी लोग भी आ ही रहे हैं। दी आप देखिए गाइस, ये आप ये फ्रंट है मजार का। देखो जैसे कि हम यहाँ पीर बाबा मजार में पहुँच चुके हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगी ये मजार कैसा है, तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो अब यहाँ पे देखिए ये पीर बाबा जाने के लिए मेन रोड है, यहाँ से सीधा अंदर हम उस मजार में जाएंगे। तो देखिए यहाँ मेरी फ्रेंड है और ये किरण है, टिकटॉक नहीं, टिकटॉक तो बंद हो गया है, इंस्टाग्राम की बहुत बड़ी स्टार है ये, एक तरफ से स्टार भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी इतनी लाइक आती है कि पूछो मत, हमारी तो दो तीन ही आती है। और अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, और हम यहाँ बाहर अपनी चप्पलें निकाल देंगे। ये देखिए ये पीर बाबा का मेन, पहुंच गए हम पीर बाबा, और ये पीर बाबा का मजार है, और सामने ही इधर दूसरा मंदिर है, और ये बहुत पुराना पेड़। ये बरगद का पेड़ है, और व्यू दिखाती हूँ आपको इधर से, ये इधर पूरा खेत है, ये पूरा आर्मी के अंडर में ही है, और खेत बिल्कुल बंजर पड़े हुए हैं। इस टाइम पे धान उगते हैं, पर इस बार यहाँ कुछ नहीं उगा हुआ, ये पूरा आर्मी अंडर है इधर आर्मी के। और आज यहाँ पे लोग नहीं आए क्योंकि ये मजार बृहस्पति को ही खुलता है, तो इसलिए आज यहाँ कोई नहीं आया हुआ है। आप देख सकते हो जो दीदी दर्शन करने के लिए आते हुए आगे,
क्योंकि आज इनको मैंने पहले ही बोला था कि यार बृहस्पतिवार के दिन ही ये ताला खुलता है कोई पीर बाबा का, मगर ये अपनी जीत में लग जाते नहीं नहीं तुझे ज्यादा पता है तो ज्यादा होशियार बनता है। क्या बोले इनको समझाने बेकार है। आप देख सकते हो ये कोड़े पीर बाबा का जो मजा आप बाहर से, क्योंकि हम अंदर तो जा नहीं सकते, मगर आप देख सकते हो दोस्तों ताला लगाया। बाकी आप पूरा आपको मैं पूरा दिखाता हूँ, देखते रहिए दोस्तों। ये हमारे कृष्ण भगवान यहाँ भी ताला लगाया। बाकी ये पूरा जितने भी ये आर्मी का एरिया है, काफी आनंद है यहाँ पे, मतलब काफी शांति आप देख सकते हो। उस पार इन पार घर भी आपको दिख रहे होंगे, ये मंदिर पीछे आ गया। फिर ये यहाँ अभी कुछ टाइम पहले भंडारी भी हुआ था, अपनी किसी साथ के साथ क्या कोई बच्चा था उसके घर वालों ने करवाया था। और अगर आप देख सकते हो सूरज भी अभी निकला हुआ है, तो आप देख सकते हो वो रास्ता जो दिख रहा है आपको संतोषी माता के लिए, संतोषी माता मंदिर के लिए जा रहा है, वो भी बहुत माना जाना माना मंदिर है। देखो दोस्तों आप देख सकते हो अब दीदी अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिए हैं, बहुत पूजा पाठ वाली है हमारी ये दीदी, देख सकते हो आप। मगर ये सबसे बड़ी दिक्कत है, एक बारी में ये नहीं जला पाते अगरबत्ती, जब तो ये चार पांच तिल्लियां खत्म नहीं करेंगे। देखो दोस्तों देखते रहो आप, हंसी तो इनके चेहरे में 24 घंटे रहती है, बस कुछ बोलने की देरी है बस इनके मुंह में एकदम हंसी आ जाती है। देखिए दोस्तों अगरबत्ती जल चुकी है दीदी की, इसे सर में देखो ये सिगरेट भी चढ़ी जाती है, मगर पान के पत्ते भी चढ़ते हैं, मगर क्या करें, मगर पान के यहाँ कोई शॉप थी नहीं, वो वैसे यहाँ ताला भी लगा हुआ है, तो हम आज बस खाली अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ाएंगे यहाँ पे। सिगरेट शुरू हो चुकी है, वहाँ भी यहाँ भी घूमो। जय कोड़े पीर बाबा। अब यही लगा दो इसे, एक यहाँ भी रख दो, वहां भी रखो ना, उस साइड भी रखो, यहीं रख दो, ऊपर ही रख दो, अब सब जगह रख दो। दोस्तों देख सकते हो कि आप ये दी ने कोड़े पीर बाबा किसान माना टेक के अपनी जो भी उनकी वीस है उन्होंने मांग ली है, क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि जो भी है मन में रखने चाहिए, क्योंकि मुंह के भान नहीं बोलने चाहिए, विश पूरी नहीं होती है। काफी टाइम से सोच रहा था मैं भी दोस्तों कि कोड़े पीर बाबा आऊंगा, मगर आना नहीं हो पा रहा था, मगर दीदी की वजह से आज मैं आ गया दर्शन करने। आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख सकते हो दीदी बैल बजाते हुए, काफी मंदिर है कि यहाँ पे पीछे की साइड भी है बहुत। देखो दीदी आप यहाँ भी रख दो, सब जगह रखो ना, यहाँ पे सब जगह चढ़ेगा, यहाँ भी रखो। दीदी के दोस्त लोग हंसने में लगे हुए, देखो वहाँ वो वीडियो बनाने में लगी हुई दीदी की, जो सबसे बड़ी दोस्त है ये प्रसाद चढ़ाते हुए। यानी यानी इसमें मत रखो ना, बस दीदी तो आज काफी खुश करके जाएगी गुड़े पीर बाबा को, जो भी से वो चाहेगी कि पूरी हो, इनकी एक ही भी सो सकती क्या होगी, ये चाहेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ करे। अच्छी बात है, होने भी चाहिए, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका फल तो उनको मिलना ही चाहिए। अब एक मंदिर उधर है, एक मंदिर आप देख सकते हो जहाँ के जहाँ बारे में बता रहे हैं, वो मंदिर ये आपके सामने ही है। और ये इनकी फ्रेंड को आप देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा एंजॉय तो यही कर रहे हैं। देखो रंजनी हो गए, किरण हो गए और नया मैडम हो गए, और ये जो हमारे शिव जी भगवान का मंदिर है, यहाँ भी चढ़ा दो, बहुत पूजा पाठ वाली है दीदी हमारी, बहुत पूजा पाठ वाली। देखो अरे बस करो दीदी, सब जगह ही चढ़ाओगे,
कैसा लगा आपको आज यहाँ आके? बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून मिला। मगर शांति है ना यहाँ पे काफी? मतलब आपको कैसा लग रहा है कि आप काफी, आप भी शायद काफी टाइम बाद आ रहे थे? आप देख सकते हो कि मैंने आपको पीर बाबा का पूरा टूर दे दिया है। गाइस देखा आपने पीर बाबा का, मैंने आपको पूरा टूर दे दिया है मजार का। तो आप आना चाहो, अगर विजिट करना चाहो तो आप जरूर आइए अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप आइए। तो यही था मेरा आज का पीर बाबा का टूर। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और भी कुछ अच्छा दिखाऊंगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें। तो बाय, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।